Welcome in Learning Maths in Easy Way. I am going to continue chapter number 2, Polynomials of class 10, and the topic is graphical representation of polynomials. So first I am taking here linear polynomial. So linear polynomial mein kya hota hai? Ki if the polynomial is Px is equal to Ax plus b, aur hum ise assume kar lete hain, let it is y. y is equal to px means जो ये polynomial है it is equal to ax plus b. So what we have to do, हम x की different values के लिए we can find the different values of y. And in class 9, हमने class 9 में भी chapter number 4 में we plot this type of graph कि जब भी हमने कोई linear polynomial को draw किया है तो graph should be like that. इस टाइप से आता है या इस टाइप से आता है, मीन्स इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो इट विल बी द एक्स एक्सिस के पैरेलल में ऐसे आएगा, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये इस टाइप से आता है. तो दैट मीन्स ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलीनोमियल इज ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन. सो और अब हमें क्या देखना है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हमारा कोई ग्राफ आता है लाइक दैट, कि मैं इस ग्राफ की बात यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, इट इज एक्स ओ एक्स डैश एंड इट इज वाई ओ वाई डैश. तो जब भी ये एक्स पर जहाँ भी कट करता है तो दैट मीन्स इट दिस वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, जहां भी वो x करता है. क्यों करता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये x एक्सिस पर पॉइंट होता है और x एक्सिस पर y जो होता है वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज बी जीरो, और हमने अपना पॉलीनोमियल को y के इक्वल अज्यूम किया हुआ है. तो अभी हम इसका वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल. नाउ आई एम टेकिंग हियर अ पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, ठीक है. अब हमने एज्यूम किया इसको लाइक y इज इक्वल टू पी एक्स. सो वी हैव नाउ व्हाट वी हैव लाइक दैट, ओके. सो वी कैन ड्रॉ अ टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y. आई एम टेकिंग हियर x की वैल्यू, आई एम टेकिंग हियर सम नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो. इफ आई टेक हियर -2, इट विल बी -4 + 5, y वैल्यू विल बी 1, it is -1. Now I am taking x is equal to -1, so 5 - 2 it will be 3. Now I am taking here 0, so y hamara 5, theek hai. Now I am taking 1 2 + 5 7, I am taking here 2, so 2 2 is 4 + 5 9. I am taking here 5 different values of x and y. Now we are drawing this. Ab hum ise kya kar rahe hain, hum isko draw kar rahe hain like that. It is x, it is x dash o y and y dash, okay. I am taking here values 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, here 1, now we are plotting here the first pair of here, x is equal to -1 है तो हमारा y है 1, that means this point will be here, and if it is, sorry, ये -2 है तो y हमारा 1 है, like this. If x is equal to -1, the value of y is 3, that means this point will be approximate will be here. If x is equal to 0, that means x कहाँ पर 0 है ये, तो y है हमारा 5, this point. If x is equal to 1, y is 7. And 2 हमारा है तो ये 9 पर है, ठीक है. इसको हम ले लेते हैं और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, हियर 8 एंड 9, 2 है तो हमारा जो वैल्यू है इट विल बी एट 9, ठीक है. एंड जब व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, लाइक दैट, तो हमारा जो ग्राफ है इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब हमें क्या करना है, व्हाट आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, कि ये जो एक्स एक्सिस पर जहां पर कटा है दिस, इट इज द जीरो ऑफ द
पॉलीनोमियल। अब हम इसके जीरो निकालते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम। क्या इसका आएगा? 2x plus 5 is equal to 0. It will be this x is equal to minus 5 upon 2. And now this point is also minus 5 upon 2 का क्या मतलब है? Minus 2.5. तो इट इज माइनस 2.5. तो दैट मीन्स इट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलीनोमियल। ठीक है, और इसके साथ ये तो हो गया कि आपको एक पॉलीनोमियल दिया एंड यू हैव टू ड्रॉ एंड फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एग्जांपल में दे दिया जाए ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नीड दिस वैल्यू। हमने क्या देखा कि एक्स की किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे हमारा y जो है वो जीरो है, हमने ये रीड कर लिया, इट इज 5/2। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट अवर पॉलीनोमियल बाय दिस वे। नाउ आई एम टेकिंग हियर एलसीएम, 1 2 2, 2x plus 5 is equal to 0 एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी 2x plus 5 is equal to 0। सो हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपना पॉलीनोमियल भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन हमारा दोनों डिफरेंट वे से आ सकता है कि आपको पॉलीनोमियल दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस बाय ड्रॉइंग द ग्राफ, और सेकेंड इज दैट कि यदि आपको ग्राफ दिया हुआ है तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। Now it is quadratic polynomial, so I am writing here the standard form of quadratic polynomial is ax square bx plus c. So same as here, we assume that let y is equal to this. यहाँ पर होते हैं, there are three cases are there. Case one, हमारा क्या है कि in my previous video I already explained that the a polynomial has at most solutions of that equation as its degree, means जितने उसके power होती है, degree होती है, उतने ही maximum solution होते हैं। तो it is a quadratic. तो if I taking here कि यहाँ पर इसके two zeros आते हैं, ठीक है, two zeros आते हैं, तो graph should be like that. Okay. ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मीन्स इट विल कट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, इट विल बी लाइक दैट। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एंड नाउ ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो देयर आर द मैनी सॉल्यूशंस ऑफ लाइक दैट के यहाँ पर कि टू जीरोस हैं तो ग्राफ शुड बी लाइक दैट कि इट शुड बी कट एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस। यहाँ पर ये ग्राफ इस टाइप से कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, ये टू पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल्सो द टू पॉइंट्स, एंड दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला ये किस टाइप से भी आ सकता है। लेकिन हियर केस टू, केस टू मीन्स में क्या है कि दैट मीन्स इफ द पॉलीनोमियल हैज वन जीरो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वन ही जीरो होता है। इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लाइक दैट, व्हेन वी डू द फैक्टर ऑफ इट, तो ये हमारे दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पर सेम आते हैं, x प्लस वन और x प्लस वन। इन बोथ द केसेस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू माइनस वन, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वन पे y की वैल्यू जीरो होती है, दैट मीन्स द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में हमारा एक ही सॉल्यूशन होता है एंड द ग्राफ लाइक दैट। ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट पे हो गया, इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ तो ये x इज इक्वल टू माइनस वन से होकर जाएगा लाइक दैट। ठीक है, सो इन दिस वे क्या होता है कि हमारा जहां भी x एक्सिस पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ आपको दिया हुआ है एंड इट इज इट कट x एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट, तो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, अब इसमें सेम प्रोसेस विल बी देयर के आता है कि यहाँ पर एक्स क्वाड्रेटिक है तो हम वी कैन टेक द पॉलीनोमियल बाय द, जैसे मैंने अभी केस वन में आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन टेक द पॉइंट्स और यू कैन फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। इट इज अ केस थ्री दैट इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज नो जीरो,
ठीक है, कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है उस केस में हमारा ग्राफ कैसा होता है देखने में, लाइक दैट। ठीक है, मीन्स एक्स की किसी भी वैल्यू पर वाई कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है कि बाय दिस ग्राफ यू कैन से दैट के इन दिस क्वाड्रेटिक, इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज नो जीरो। नाउ इट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, और क्यूबिक पॉलीनोमियल की आई एम राइटिंग हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एज यूजुअल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज दिस ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एंड आई एम अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो कुछ जब हम आते हैं इसका क्या मतलब होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का क्या मीन्स है कि दैट मीन्स क्यूबिक पॉलीनोमियल हैज थ्री जीरोज। ओके, सो जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है कि लाइक दैट। ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस पर जो हमारा ग्राफ जाएगा वो तीन जगह कट करेगा सो दैट वी गेट द थ्री फैक्टर्स या थ्री जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, सो वैल्यू जो सेम एज के फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। और जब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को थ्री टाइम्स कट करता है लाइक दैट। ये ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है लाइक दैट के जीरो से पास हो रहा हो तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। बाय दिस वे वी कैन कंसीडर द थ्री जीरोस ऑफ दैट पॉलीनोमियल। आई एम टेकिंग हियर एन एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ एंड आई मेंशन सम पॉइंट्स आर हियर कि लेट ये x इज इक्वल टू -2 पे कट करता है, ये x इज इक्वल टू सॉरी इट इज +2 और ये +5 पे कट करता है और ये -4 आई एम टेकिंग हियर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x ओ x डैश एक्सिस। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि राइट द फैक्टर्स या राइट द पॉलीनोमियल। मीन्स क्वेश्चन है कि फॉर बाय दिस ग्राफ फाइंड px, हमें पॉलीनोमियल निकालना है तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रीड द वैल्यू ऑफ x। लेट यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 है तो हमारा यहाँ पर एक फैक्टर हो गया x प्लस 4। हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, द फैक्टर इज x माइनस 2 एंड हियर x इज इक्वल टू 5 सो दैट इट विल बी x माइनस 5। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलीनोमियल, दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई दीज एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। सो दैट मैंने क्या किया, पॉलीनोमियल के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 को वी गेट द मल्टीप्लाई। एक्स में पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 एंड देन एक्स माइनस 5 एज इट इज हियर एक्स स्क्वायर इट विल बी 2x माइनस 8 और एक्स माइनस 5। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई पहले एक्स माइनस 5 से एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड हियर 2x स्क्वायर माइनस 5 टू जर 10x माइनस 8x एंड 8 5 जर 40। ओके, तो एक्स क्यूब एज इट इज एक्स क्यूब एंड 5x स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर और ये 10 और x माइनस 18x एंड प्लस 40। सो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। तो ये क्या होता है इसमें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल में क्या होता है कि वो आपको पॉलीनोमियल देके एग्जामिनर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो यू विल ड्रॉ द ग्राफ कैसे करेंगे, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एंड प्लॉट देम। ठीक है, और यदि ग्राफ देखकर एग्जामिनर ये पूछते हैं ग्राफ देख करके फाइंड द फैक्टर्स एंड द पॉलीनोमियल, तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड देन बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स यू कैन फाइंड आउट द पॉलीनोमियल। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीनोमियल। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो आर क्लियर टू यू, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.